इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स carefully बिफोर इन्वेस्टिंग दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं हूं दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं हूं बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं कार जय श्री राम चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन ब्रांड न्यू एडिशन में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरी ओर से निफ्टी के नए रिकॉर्ड हाई छू लेने के अवसर पर अनेकों ढेरों शुभकामनाएं निफ्टी ने बीस हजार के आंकड़े को फिर एक बार शिकस्त दी है और अब निफ्टी नए हाइज बना रहा है लेकिन ये हाइज बनाने का जो जलसा है जो हैप्पीनेस है जो सेलिब्रेशन है ये अधूरी हो जाती है अगर इस हाई के बनने के बावजूद भी आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं वो रिकॉर्ड हाइज न बना रहे हों या आपके आज तक के प्रॉफिट्स नए हाइज न, न छू रहे हों तो आइए आज संकल्प करते हैं कि निफ्टी जो हाइज बनाएगा हमारे हाइज उससे ज्यादा बड़े ऊंचे होंगे तभी बाजार की तेजी हमारे लिए सार्थक होगी मीनिंगफुल होगी तो मेरी आप सबको शुभकामनाएं ये हैं कि जब निफ्टी रिकॉर्ड हाई बनाए आपका पोर्टफोलियो भी नई ऊंचाइयां छुए जब निफ्टी रिकॉर्ड हाई बनाए आपके प्रॉफिट्स भी नई ऊंचाइयां छुए और वो तब होगा जब आप बराबर चार्ट्स देखेंगे और एक नीतिगत ढंग से निवेश करेंगे और वो आप कर पाए इसीलिए हर सप्ताह चार्ट ऑफ वीक में पूरा ब्रह्मांड खंगालकर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट खोज लाता हूं और इस सप्ताह भी खोज करके लाया हूं आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि जिस किसी चार्ट का भी जिक्र चार्ट ऑफ वीक में हर सप्ताह हम करते हैं किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने या बेचने की राय नहीं होती है जिन चार्ट्स पर कुछ सीखने योग्य होता है कुछ नया बना होता है जिससे आपका एनालिसिस और पैना और असरदार हो सकता हो और धारदार हो सकता हो तो उन चार्ट्स को निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत करने का काम चार्ट वीक में हर सप्ताह मैं करता हूं और इस सप्ताह भी बेमिसाल चार्ट्स खोज लाया हूं तो आइए वक्त जाया किए बिना सीधे इस सप्ताह के चार्ट्स का रुख करते हैं तो आइए निफ्टी के चार्ट से ही इस सप्ताह चार्ट ऑफ वीक की शुरुआत करते हैं और हो भी क्यों ना निफ्टी ने नए हाइज बनाए हैं बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट एक ऐसे समय पर हुआ है जब सभी लोग बड़े ही आशंकित थे चिंतित थे डरे हुए थे भयभीत थे असमंजस में थे पशोपेश की दशा में थे तब भी बावजूद इसके बाजार हाइज बना रहा है तो आइए चार्ट देखते हैं और आप देखेंगे कि निफ्टी के डेली चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी के वीकली चार्ट पर इस सप्ताह जबरदस्त ब्रेकआउट और लाइफ टाइम देखने को मिल रहे हैं फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करें तो ये पड़ाव निफ्टी के लिए निकल आते यानी बीस हजार और ऊपर इक्कीस यानी कि बाईस के लेवल्स ये हैं अगले पड़ाव इस वीकली चार्ट पर और याद रहे कि जब कभी कोई शेयर नए कीर्तिमान नए हाइस बना रहा होता है तो केवल रेजिस्टेंस के आधार पर अगला टारगेट क्या हो सकता है यह बता पाना मुमकिन नहीं होता तो वहां मदद लेनी पड़ती है फिबोनाची एक्सटेंशन की जिसकी मदद से यह संभावित लेवल्स हमने निफ्टी के, के कैलकुलेट किए हैं और अब आइए बढ़ते हैं आगे इस सप्ताह के चार्ट्स के दर्शन करते हैं ढेरों चार्ट्स हैं जहां बड़े ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तूफानी तेजी देखने को मिल रही है और ऐसे ही कुछ चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत विशेष है इस सप्ताह के चार्ट ऑफ वीक लेकिन उससे पहले चार्ट ऑफ़ वीक रनर सब तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक चार्ट ऑफ वीक रनर सब यानी कि थ्री सिक्सटी वन वैम जिसको इस सप्ताह चार्ट द वीक सब का खिताब मिल रहा है अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भला ये कौन सी कंपनी है तो इस कंपनी का नाम पहले आई वेल्थ मैनेजमेंट होता था देखिए वेल्थ मैनेजमेंट का व्यापार कारोबार बड़ी तेजी से दिन दोगुनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है और हमने ऐसी जबरदस्त तेजी आनंद राठी वेल्थ में देखी है जो इसी कारोबार में है IFL Wealth, जिसका नाम अब 361 हो गया है, इसके चार्ट को यदि देखा जाए तो एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह देखने को मिला छोटे छोटे कैंडल्स पहले बन रहे थे इस सप्ताह जबरदस्त ब्रेकआउट बड़े मोमेंटम और वॉल्यूम के साथ दर्ज हुआ और यही वजह है कि इस सप्ताह इस चार्ट को चार्ट वीक सब का खिताब दिया जा रहा है और अब बारे सप्ताह के चार्ट ऑफ वीक की देखिए यूं तो इक्विटी बाजार में जबरदस्त और ऐतिहासिक तेजी देखने को मिल रही है अब ऐसे में आप सोचेंगे कि चार्ट ऑफ वीक भी कोई ना कोई शेयर या इंडेक्स होगा लेकिन इस सप्ताह जिस प्रकार की तेजी सोना चांदी में देखने को मिल रही है चमन प्राश में नहीं बल्कि सोना और चांदी यानी कि गोल्ड और सिल्वर के चार्ट पर जो जबरदस्त चमक देखने को मिल रही है वो ऐतिहासिक है बड़े ब्रेकआउट्स दोनों ही चार्ट्स पर देखने को मिल रहे हैं और इसीलिए बिना किसी कंफ्यूजन के इस सप्ताह का चार्ट वीक ना कोई स्टॉक है और ना ही कोई इंडेक्स बल्कि इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब डाउन दिया जा रहा है यूएस गोल्ड और भारत में सिल्वर के चार्ट को जी हां गोल्ड और सिल्वर के चार्ट देखें तो जबरदस्त ब्रेकआउट दोनों ही चार्ट पर दर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं आइए दोनों चार्ट देखते हैं और देखते हैं कि गोल्ड में किस प्रकार की तेजी बन रही है और सिल्वर में किस प्रकार की चमक तो लीजिए आइए देखते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक और जैसा आप जानते हैं कि सोना और चांदी दोनों इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जीत रहे हैं पहले भी हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों की चर्चा की है चार्ट ऑफ द वीक में दोनों को अलग अलग, अलग चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला है और इस सप्ताह दोनों को ज्वाइंटली ये खिताब मिलने जा रहा है सबसे पहले आपके सामने गोल्ड का चार्ट है और ये डॉलर में गोल्ड का चार्ट है और इसकी चर्चा पहले भी नीचे के लेवल्स पर हम कर चुके हैं अब हमने देखा है कि डॉलर में गोल्ड के चार्ट पर एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है चार्ट पर यह रेखा अंकित करें जो कि लगभग 2030 डॉलर के आसपास आपको डालनी होगी याद रहे कि गोल्ड के स्पॉट का चार्ट है और हम इसे डॉलर में देख रहे हैं इस चार्ट को जब आप प्लेस करते हैं अपनी स्क्रीन पर तो इस तरह से एक रेखा उस पर अंकित करें जो कि 2030 डॉलर के आसपास पड़ेगी दो डॉलर के आसपास फिलहाल गोल्ड चल रहा है तो गोल्ड में एक बड़ा ऐतिहासिक शानदार अभूतपूर्व ब्रेकआउट आया है कितने समय के अंतराल के अंतराल बाद ये ब्रेकआउट देखने को नसीब हुआ है देखिए 2020 यानी कि कोविड के, के हाइस के बाद अब जाकर के ये ब्रेकआउट मुमकिन हो सका है यानी कि तीन वर्षों तक गोल्ड ने उठा पटक खूब की यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हुआ यूएस में उठापटक हुई और इन्फ्लेशन बढ़ा बावजूद इसके गोल्ड इस लेवल को पार नहीं कर पाया लेकिन अब यह ब्रेकआउट ऐतिहासिक मायने रखता है और इसी वजह से इस सप्ताह गोल्ड के चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब देना मजबूरी बन गया तो इस चार्ट को अवश्य से स्टडी कीजिए रिकॉर्ड हाइस पर गोल्ड है और अब सवाल है कि संभावित टारगेट्स क्या हो सकते हैं तो हमेशा की तरह फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे और फिबोनाची का यूज करके जब आप लेवल्स निकालने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि पहला रेजिस्टेंस इक्कीस पर और उसके बाद तेईस सौ पांच यानी कि बड़े लक्ष्य निकल करके आते हैं अगर आप फिबोनाची के इस्तेमाल से टारगेट निकालने का प्रयास करते हैं आइए चार्ट देखते हैं सिल्वर का एमसीएक्स में और ये हमारे सामने सिल्वर फ्यूचर्स के चार्ट हैं एमसीएक्स में यहां पर भी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट सतहत्तर हजार के स्तरों के ऊपर आता हुआ दिख रहा है इस लेवल की चर्चा पहले भी चार्ट ऑफ वीक में हमने की है और 77,000 के ऊपर सिल्वर का ब्रेकआउट भी ऐतिहासिक मायने रखता है अब यहां पर संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं जानने के लिए फिबोनाची डालिए इस तरह और आप देखेंगे कि फिबोनाची के हिसाब से अगला पड़ाव बयासी के आसपास और उसके बाद अगला लेवल इक्यानवे हजार के आसपास दिखता है तो सिल्वर में आया है बड़ा ब्रेकआउट और यही वजह है कि चांदी और सोना दोनों को चार्ट वीक का किताब संयुक्त रूप से दिया जा रहा है तो देखा आपने कि गोल्ड और सिल्वर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं चमक रहे हैं आमतौर पर इक्विटी में तेजी हो और गोल्ड सिल्वर भी चमक रहे हो ऐसा कम देखने को मिलता है जी हाँ तो 2006-2007 का साल ऐसा था जब गोल्ड और सिल्वर पे भी जबरदस्त तेजी थी और उस समय इक्विटी बाजार भी चल रहे थे लेकिन ऐसा कम होता है इस बार एक अपवाद देखने को मिल रहा है जहां दोनों एसेट क्लासेस में बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं तो इस सप्ताह का चार्ट वीक है गोल्ड और सिल्वर दोनों चार्ट्स को देखिए

थ्री सिक्सटी वन वैम जिसकी चर्चा हमने की उस चार्ट को भी देखिएगा और उसके पियर ग्रुप के चार्ट को भी जरूर स्टडी कीजिएगा तो पूरे बाजार को छोड़कर सबसे काम के सबसे उपयोगी सबसे ज्ञानप्रद चार्ट हर सप्ताह चार्ट वीक में सम्मिलित होते हैं और इस सप्ताह भी इस क्रम को हमने आगे बढ़ाया उम्मीद है कि ये आप स्वयं से जरूर स्टडी करेंगे और आपके अनुभव इन चार्ट्स के बारे में कैसे हैं ये मेरे साथ अवश्य बांटेंगे अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे चार्ट्स देखते रहेंगे और हाँ नए हाइस को दिल खोल करके इंजॉय करेंगे सही मायनों में धन्यवाद आपका जय हिंद जय भारत